ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा और माध्यम भाषा। जैसा कि हम जानते हैं, भारत विभिन्नताओं का देश है। परंतु यहाँ पर विभिन्नताओं में भी एकता पाया जाता है, जो कि भारत की एक प्रमुख विशेषता है। भारत में प्राकृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, जातियाँ, रहन सहन, वेशभूषा और बोलियों में अर्थात भाषाओं में विभिन्नता पाई जाती है। भारत में प्राकृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, रहन सहन, वेशभूषा, जातीय और बोली तथा भाषाओं में भी विभिन्नता पाई जाती है। कई प्रदेशों क्षेत्रों की अपनी भाषाएं और लिपियां भी अलग अलग है। परंतु देश की राष्ट्रीय भाषा, जिसको हम राजभाषा कहते हैं, हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। जिन प्रदेशों में, जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में की मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहाँ हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में लागू किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन राज्यों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहाँ पर हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जिन क्षेत्रों की मातृभाषा हिंदी है, उन क्षेत्रों और राज्यों में हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में अपनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेजों के शासन के बाद भारत में आने के समय तक भारत के आम नागरिकों का दैनिक कार्यों में स्थानीय भाषाओं का व्यवहार करते थे। अर्थात जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय यहाँ के नागरिक अपने दैनिक कार्यों के लिए स्थानीय भाषाओं का व्यवहार करते थे, परंतु अपने शास्त्रीय कार्यों के लिए संस्कृत भाषा को व्यवहार में लाते थे। धीरे धीरे मुस्लिम सभ्यता के संपर्क में आने के बाद बहुत सारे लोगों ने फारसी का भी प्रयोग करने लगा। क्या करने लगा? अंग्रेजों के शासन के समय या अंग्रेजों के आने से पहले भारत में आम नागरिकों द्वारा दैनिक कार्यों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता था और शास्त्रीय कार्यों के लिए या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। मुस्लिम सभ्यता के संपर्क में आने के बाद कुछ लोगों ने फारसी भाषा को भी इस्तेमाल में लाने लगा। अंग्रेजी शासन के पहले हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के शासन के बाद अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगा था। अंग्रेजों के शासन के बाद सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किए जाने लगा।
जब सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाने लगा तो अंग्रेजों को वैसे भारतीयों की आवश्यकता पड़ी जो जो क्या करे अंग्रेजी भाषा का जानकार हो, अर्थात उनकी भाषाओं का जानकार हो, ताकि उनकी देखरेख में सरकारी कामकाज को आसानी से किया जा सके। अतः उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, जिसका माध्यम भी अंग्रेजी भाषा था, जिसका माध्यम क्या था, अंग्रेजी भाषा था। संस्कृत और फारसी भाषा से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, संस्कृत और फारसी भाषा से क्या था, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेजों के शासनकाल में और उसके पश्चात समय समय पर, अंग्रेजों के शासनकाल के समय और उसके बाद समय समय पर शिक्षा के माध्यम की भाषा की समस्या पर समय समय पर विचार किया गया और विभिन्न प्रकार के उपायों को क्या किया गया, अपनाया गया, ताकि देश में जो शिक्षा का माध्यम है अर्थात भाषा की जो समस्या है उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है, उसके बारे में तरह तरह के उपायों पर क्या किया गया, विचार विमर्श किया गया। वर्तमान समय में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, को शिक्षा का माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। क्या है, वर्तमान समय में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार माध्यमिक स्तर तक मातृभाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु उच्च शिक्षा स्तर पर आज भी यह समस्या बनी हुई है। क्या बनी हुई है, उच्च स्तर पर आज भी भाषा की समस्या क्या है, बनी हुई है। क्या इस स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, अनेक महाविद्यालयों में अधिकांश विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के माध्यम में शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अधिकांश विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, ऐसा हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही केवल हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अभी भी क्या है, अंग्रेजी माध्यम ही है। अर्थात जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ शिक्षा का माध्यम अभी भी अंग्रेजी ही है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि ज्यादातर वहाँ पर जो पठन पाठन का काम होता है वो अंग्रेजी भाषा में ही होता है। अनेक शिक्षा संस्थानों में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान व प्राप्त की जाती है। क्या की जाती है, भारत में अभी भी अनेक ऐसे शिक्षण संस्थान है जहाँ पर हिंदी या क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से उन्हें शिक्षा दिया जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी और हिंदी के मुद्दे पर फंसकर शिक्षा के माध्यम की भाषा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। भारत में क्या हो गया है, अंग्रेजी और हिंदी भाषा क्या है, एक समस्या बनकर उभर गई है। जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं, भारत के, उनमें अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला है, और जितने भी भारत में उत्तरी भारत में बसे राज्य हैं, उनमें हिंदी भाषा का बोलबाला है। इसी कारण हिंदी और अंग्रेजी भाषा क्या हो गया है, भारत के लिए एक समस्या बनकर उभरी है कि किस भाषा को मान्यता प्रदान किया जाए, था शिक्षा के माध्यम की भाषा क्या हो, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस अनसुलझी समस्या ने शिक्षा के स्तर को क्या किया, एकदम निम्न स्थिति में पहुंचा दिया है। इसलिए जरूरी इस बात की है, अभी भी जो एक भारत में शिक्षा का जो माध्यम है उसके लिए एक भाषा का निर्धारण किया जाए, ताकि शिक्षा के स्तर को ऊंचा से ऊंचा उठाया जा सके। समस्या के इस समस्या के समाधान हेतु अनेक प्रयास किए गए।
जिसका कुछ परिणाम सकारात्मक हुआ, लेकिन अभी भी भाषा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों में एक बात उभर कर सामने आई कि क्षेत्रीय भाषाओं या मातृय भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं या मातृभाषाओं को प्रथम स्थान प्रदान किया जाए। साथ ही लगभग सभी प्रदेशों ने त्रिभाषा सूत्र का पालन करने पर जोर दिया। क्या दिया? सभी राज्यों ने, सभी के शासित प्रदेशों ने त्रिभाषा सूत्र को लागू करने पर क्या दिया है? जोर दिया, ताकि भाषा की समस्या को क्या किया जाए, दूर किया जा सके। इसके अलावा अंग्रेजी को धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम की मुख्य धारा से हटाने का भी सुझाव प्रस्तुत किया गया। विभिन्न आयोगों एवं समितियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि धीरे धीरे क्या किया जाए, माध्यम शिक्षा के माध्यम की मुख्य धारा से अंग्रेजी को हटाने का सुझाव दिया है। जिसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तरफ सभी नीति निर्माता इस बात पर सहमत है कि भारत में ब्रिटिश काल के दौरान टुकड़े टुकड़े में बंटी देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करने वाली एकमात्र भाषा अंग्रेजी ही रही है। इसलिए अंग्रेजी भाषा की शिक्षा से ही भारतीय जनमानस में राष्ट्रप्रेम की भावना का उदय क्या हुआ था, हो सकता है या उदय हुआ था। साथ ही लगभग सभी का यह मानना है कि वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ आधुनिक अध्ययन के लिए अंग्रेजी भाषा का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। क्या है? कुछ समितियों, कुछ आयोगों का मानना है कि वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, परंतु दूसरी तरफ इस तथ्य पर सभी ने जोर दिया है कि अंग्रेजी का मुख्य भाषा के रूप में अध्ययन राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है, कुछ समितियों का मानना है कि अगर हम अंग्रेजी भाषा को भारत की माध्यम की भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये भारत की एकता के लिए और अखंडता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा त्रिभाषा सूत्र के रूप में अनेक नीति निर्माताओं ने लगातार एक अव्यवहारिक और अनावश्यक बोझ विद्यार्थियों पर लादने का कार्यक्रम भी क्या किया है, तय किया है, जिससे कि नीति निर्माताओं ने इस तथ्य पर गंभीरता से विचार नहीं किया कि अंग्रेजी को प्राथमिक शिक्षा से दूर रखकर तथा माध्यमिक शिक्षा में मात्र एक विषय के रूप में अध्ययन की भाषा बनाकर उच्च शिक्षा में वैज्ञानिकता, तत्परकता और वस्तुनिष्ठता कैसे लाया जा सकता है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम हो उसमें आज की समय की मांग है, कम से कम शिक्षा का एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जो एक भाषा में हो, चाहे वो कोई एक भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो या हिंदी भाषा हो, किसी भी एक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की आवश्यकता है, ताकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अधिकांश भारतीय अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाना पसंद करते हैं। क्या करना चाहते हैं? अधिकांश जो पेरेंट्स हैं भारत में, वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जो कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का एक जोरदार समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत जो विभिन्नताओं का देश है, वहां पर
भाषा के रूप में अनेक प्रकार की भ्रांतियां आज भी देखने को मिलती है। शिक्षा का माध्यम और इसके भाषाई समाधान हेतु अनेक सुझाव दिए गए हैं जो इस प्रकार है। भारतीय में शिक्षा के माध्यम की भाषा के निर्धारण हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को स्थानीय भाषा या मातृभाषा पर आधारित किया जाए। पहला पॉइंट क्या हो सकता है जो सुझाव दिया गया उसके अनुसार पहला पॉइंट हो सकता है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा पर आधारित होना चाहिए या किया जाए, तथा अन्य राज्यों या देशों में आने वाले विद्यार्थियों हेतु पाठ्यक्रम का अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान द्वारा शिक्षण कार्य किया जाए। प्रथम सुझाव क्या दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा पर आधारित किया जाए या अन्य राज्यों या अन्य राष्ट्रों से आने वाले विद्यार्थियों हेतु पाठ्यक्रम का अंग्रेजी भाषा में क्या किया जाए, अंग्रेजी भाषा में उनका संचालन किया जाए, अंग्रेजी भाषा में उनका व्याख्यान प्रस्तुत किया जाए, अर्थात अंग्रेजी भाषा में शिक्षण कार्य को किया जाए। दूसरा सुझाव, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान एवं विज्ञान का स्थानीय या मातृभाषा में अनुवाद करते हुए एक विभाग की स्थापना की जाए ताकि शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय तत्व भी सम्मिलित रहे। क्या किया जाए, दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान एवं विज्ञान का स्थानीय या मातृभाषा में अनुवाद करते हुए क्या किया जाए, एक विभाग की स्थापना की जाए ताकि शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय तत्व भी सम्मिलित हो सके। तीसरा सुझाव, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी और स्थानीय तथा क्षेत्रीय तथा मातृभाषा दोनों का प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तथा स्थानीय एवं मातृभाषा दोनों का प्रयोग किया जाए। इसके लिए आवेदन पत्र द्वारा स्थानीय भाषा मातृभाषा के उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करके इसके अनुसार प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र तैयार करना चाहिए और स्थानीय भाषा में भी प्रश्न पत्र को तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्थानीय भाषा और मातृभाषा के उम्मीदवारों की संख्या को ज्ञात करके उसके अनुसार प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला सुझाव है, संस्कृत भाषा, उर्दू एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को वैकल्पिक रूप से पढ़ाया जाए। क्या किया जाए, संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू एवं अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को भी वैकल्पिक रूप में पढ़ाया जाए, जिसके लिए विद्यार्थियों को उचित सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है। अर्थात विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं को भी वैकल्पिक रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसके लिए क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को उचित सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। उसके बाद इन सुझावों को जो दिया गया है, उपयुक्त सुझावों को अनेक जो सुझाव प्रदान किए उनमें अनुपालन में अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना भी हमें करना पड़ रहा है। उन कौन कौन से कठिनाइयां हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चर्चा करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान एवं विज्ञान के विभिन्न
क्षेत्रीय भाषाओं या मातृभाषाओं में अनुवाद में ज्यादा खर्च, वस्तुतः यह कोई व्यवहारिक समस्या नहीं है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान एवं विज्ञान या विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं मातृभाषाओं में अनुवाद ज्यादा खर्च यह कोई व्यवहारिक समस्या नहीं है। अर्थात समिति का यह सुझाव था कि क्या था, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान एवं विज्ञान का स्थानीय एवं मातृभाषा में अनुवाद करने की जो सुझाव दिया गया था उसमें यह अनुपालन करने में कठिनाई हुई कि उन भाषाओं को अनुवाद कराने में ज्यादा खर्च आ रही थी, जो कि हम अपने स्तर से कह सकते हैं कि यह एक व्यवहारिक समस्या नहीं है। दूसरा, स्थानीय भाषा मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से अन्य क्षेत्रों से विद्यार्थियों के कट जाने का खतरा है। क्या है, स्थानीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से भारत सरकार को यह डर हमेशा सताता रहता है कि अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, हमसे अलग हो जाएंगे। आदिवासी या पिछड़े समुदाय पर यह खतरा ज्यादा मंडराएगा। तीसरा, अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त विकास न होने से देश में अध्ययन एवं रोजगार करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा का अगर हम पर्याप्त रूप से विकास नहीं करते हैं तो हमें क्या होगा, अपना विकास, हमारा जो विकास होगा पर्याप्त विकास नहीं हो पाएगा, और दूसरे देशों से अर्थात विदेशों से अध्ययन एवं रोजगार करना क्या हो जाएगा, हमारे लिए कठिन हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, हमें शिक्षा प्राप्त करने, व्यवसाय करने या वहां पर निवास करने का अधिकार प्राप्त है, जो आवश्यक भी है, लेकिन स्थानीय और मातृभाषाओं में शिक्षा प्रदान करने से इस संदर्भ में क्या हो जाएगी, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी, अर्थात व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद अगला पॉइंट है, वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। आधुनिक समय है सर, पेज नहीं दिखाई दे रहा है। आज का जो आधुनिक समय है उसमें यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा सभी आवश्यकताओं की जड़ बन गई है। अतः इसे मात्र एक विषय के रूप में पढ़कर या पढ़ाकर कुशलता हासिल नहीं की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी, भारत में अंग्रेजी भाषा को भी वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना एक अनिवार्य सा प्रतीत हो गया है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा रास्ता यह हो सकता है, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा का जो मुख्य माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया जाए, साथ ही स्थानीय मातृभाषा में उसकी व्यवहारिकता की जाए तथा अंग्रेजी भाषा में विद्यार्थियों की कुशलता हासिल करने के लिए और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में स्थापित कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे, अगर प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा को मुख्य माध्यम अर्थात शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बनाया जाए, किया जाए, तो क्या हो सकता है, हम दूसरे राज्यों, दूसरे देशों के विद्यार्थियों से क्या कर सकते हैं, कुशलता हासिल कर सकते हैं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। ये एक प्रकार का दूसरा सोच हो सकता है। स्थानीय भाषा को एक विश्व रूप में भी पढ़ाया
जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो स्थानीय भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसको भी विश्व स्तर पर अगर पढ़ाया जाए, किया जाए, तो यह समस्या बहुत हद तक क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, अर्थात जो विशेष विशेषकर समितियों एवं आयोगों द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, उनके अनुसार हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषा को, जो मातृभाषा जो हम कहते हैं, उसको शिक्षा का माध्यम तो बनाया ही जाए, लेकिन अंग्रेजी भाषा को भी वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य है, ताकि हम विश्व के अन्य देशों से भी अपने आप को क्या कर सके, अलग न हो सके, अर्थात उनमें उनसे भी हम अपना संपर्क स्थापित कर सके, जिससे कि हमें वहाँ रहने सहने, व्यवसाय करने में तथा अन्य गतिविधियों को करने में हमें किसी भी प्रकार की व्यवहारिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसमें भी अगर ये चीज हम करते हैं, अंग्रेजी भाषा को वो भी हम अगर हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं, तो उसमें भी हमें तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, अगर अंग्रेजी भाषा को हम माध्यम की भाषा बनाते हैं तो उसमें उसमें भी तरह तरह की हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे पहला, भारत में अंग्रेजी में 10 अंग्रेजी में दक्ष शिक्षक शिक्षिकाओं का क्या है, अभाव है। ऐसे में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा भारत जो देश है क्या है, एक विकासशील देश है, और यहाँ पर भाषा में जो तरह तरह की विभिन्नता पाई जाती है, उसके मद्देनजर भारत में अंग्रेजी के शिक्षकों की बहुत हद तक क्या है, कमी आज भी है, जो कि अंग्रेजी शिक्षा को, अर्थात अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने में अनेक तरह की कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी भाषा को प्राथमिक स्तर से भी शुरू हम कर सकते थे, तो अंग्रेजी भाषा को भी हम वैकल्पिक रूप में प्राथमिक स्तर से भी शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि आगे चलकर हम अपने अपनी मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी जानकार हम हो सकते हैं। तो इन सब समस्याओं से यह साबित होता है कि भारत जो विभिन्नताओं का देश है, भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है, उनमें भाषा संबंधी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र का जो फॉर्मूला दिया गया था, उसको हम बृहद पैमाने पर लागू कर सकते हैं, जिससे कि भाषा समस्या को बहुत हद तक लागू क्या किया जा सकता है, भाषा समस्या को बहुत हद तक समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा को हिंदी भाषी राज्यों में प्रथम भाषा और देवनागरी लिपि का दर्जा दिया जाए, तथा उसके साथ ही साथ और हिंदी राज्यों में जहां पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, उन राज्यों में अर्थात और हिंदी राज्यों में हिंदी राष्ट्रीय भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में स्थान प्रदान किया जाए, जिससे कि हिंदी भाषा पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा के रूप में अनिवार्य भाषा बन जाए, तथा तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को पढ़ाया जाए, जिससे कि पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा नीति में तीन भाषाओं का, अर्थात त्रिभाषा सूत्र को जो अपनाया गया है, उसको पूरे देश में बृहद पैमाने पर लागू किया जाए। अगर हम त्रिभाषा सूत्र को पूरे देश में बृहद पैमाने पर लागू करते हैं, तो बहुत हद तक भाषा समस्या का को दूर किया जा सकता है। त्रिभाषा सूत्र और इससे संबंधित कुछ बिंदुए इस प्रकार हैं, जिसमें
हम कह सकते हैं कि स्थानीय अर्थात पारिवारिक भाषा को मातृभाषा का दर्जा दिया जाए, जिनका बिना अधिक प्रयास किए स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हो जाता होगा। हमें उस भाषा को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा जो कि हमारे घर परिवार की भाषा हो, अर्थात हमारी मातृभाषा हो, जिसको हम बिना अधिक मेहनत किए आसानी से उसका ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसके बोलने, लिखने और पढ़ने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। इसलिए मातृभाषा का ज्ञान और स्थानीय और क्षेत्रीय क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी हमें जानना आवश्यक हो गया है। क्या हो गया है, हमें कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अधिक से अधिक उन भाषाओं पर ज्यादा जोर दिया जाना जरूरत हो गई है जो हमारे घर परिवार की भाषा हो, हमारे साथ हमारी मातृभाषा, उन भाषा पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी भाषा की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। पूरे भारत की राष्ट्रीय भाषा अर्थात राजभाषा हिंदी और लिपि जो देवनागरी है वो पूरे देश में प्रचार और प्रसार की व्यवस्था की जाए और व्यापार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी को क्या किया जाए, अनिवार्य किया जाए एवं प्रमुख भाषाओं में इसे शामिल किया जाए, जिससे कि पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी भाषा को पूरे विश्व में स्थान प्रदान किया जा सके। अर्थात हमें वैसा प्रयास करना है, वैसा प्रचार प्रसार करना है जो हमारे अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी भाषा को पूरे देश में, पूरे विदेशों में क्या किया जाने लगे, बोले जाने लगे और समझा जाने लगे, लिखा पढ़ा जाने लगे। तो हम हिंदी भाषा में भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं दूसरे देशों में। तो आवश्यकता इस बात की है कि आज का समय है उसमें हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। भारतवर्ष में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भी लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी भाषा को बोलने, लिखने के और पढ़ने पर क्या दिया था, बल दिया था। इसलिए अंग्रेजी को शिक्षा प्राप्ति का माध्यम भी उस समय बनाया गया था, जिससे कि क्या हो सके, अंग्रेजी भाषा को बल प्रदान किया जा सके। ठीक उसी प्रकार आज का जो आधुनिक समय है उसमें भी हमें आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए और अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा या जो हमारी मातृभाषा हो उसमें बोलने, लिखने और पढ़ने पर बल ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, जिससे कि हिंदी भाषा को शिक्षा प्राप्ति का माध्यम बनाया जा सके। और जब हम हिंदी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाएंगे, करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे हिंदी भाषा का विकास तो होगा ही, और क्या होगा, हमारे हिंदी भाषा का विकास होने के साथ साथ हमारा देश भी क्या करेगा, प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और हम भाषा की समस्याएं से क्या हो जाएंगे, अपने आप को निजात दिला पाएंगे। इसलिए अगर हम इन सब समस्याओं से, भाषा संबंधी समस्याओं से उबरना चाहते हैं तो हमें इस बात पर जोर देना होगा कि हम आज के आधुनिक समय में किसी एक भाषा को अर्थात देश की जो राजभाषा हिंदी है उसको शिक्षा का माध्यम बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए, जोर शोर से प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि हिंदी भाषा का विकास हो सके और शिक्षा का माध्यम बन सके। जब तक हम किसी एक भाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाएंगे तब तक आए दिन भारत में भाषा संबंधी समस्याएं क्या होगी, एक विकराल रूप धारण करती जाएंगी और हमारा देश क्या होगा, प्रगति के बजाय क्या हो जाएगा, पिछड़ता जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें हिंदी के प्रचार एवं प्रसार पर ज्यादा से ज्यादा
जोर देने की आवश्यकता है और हिंदी भाषा को शिक्षा का माध्यम के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर हम पूरे देश में हिंदी भाषा को शिक्षा का माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं तो हिंदी भाषा को क्या मिलेगी, दृढ़ता प्रदान होगी, अर्थात हिंदी भाषा एक मजबूत भाषा के रूप में उभर कर सामने आएगी और हिंदी भाषा का विकास क्या होगा, भली भांति हो पाएगा। अगर हिंदी भाषा का सही से विकास हो जाता है तो क्या होगा, हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानने और पहचाने जाने लगेगा और हिंदी को विश्व स्तर का मंच भी प्राप्त हो जाएगा। तो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी अर्थात अभी के समय में अर्थात आधुनिक समय में हिंदी भाषा को, खासकर भारत में हिंदी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे गांव देहात एवं पिछड़े आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इन बातों को ध्यान में रखकर हमें हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर ज्यादा से ज्यादा बल देने की आवश्यकता है, अर्थात हिंदी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने आप को स्थापित कर सके। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर बोलिए, विद्यालय का समुदाय पर